छोटू उस्ताद। अबे छोटू आज भी तुमने रोबोट बाय किया है, मतलब कुछ खास करने वाला है तू? अबे हाँ यार साथ कुछ तो खास ही करने वाले हैं। तुम्हें पता है हमें लड़की ने बुलाया, उसने बोला जल्दी से ट्रांसफार्मर लेकर आओ, तुम्हें नई ट्रिक्स बतानी है 2022 की। क्या बात है छोटू, आजकल तू बार बार चक्कर लगा रहा है लड़की के पास। अबे यार उस्ताद वो मेरी दोस्त है और वो मुझे ट्रिक्स बताती है, तो चलो हम उसके पास आ गए। हाँ लड़की क्या बात है, कौन सी ट्रिक बताने वाली हो आज तुम हमें? अरे रूपी रूप, मैं आज तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसको सुन के तुम चौंक जाओगे। अरे कौन सी ट्रिक है छोटू, ये क्या बोल रही है? अरे तुम सुनो, तुम इस ट्रांसफार्मर को रेलवे स्टेशन के अंदर ले जा सकते हो। अरे छोटू ये तो कह रही है कि हम अपने इस ट्रांसफार्मर को रेलवे स्टेशन के अंदर भी ले जा सकते हैं। अबे यार साथ मुझे तो यकीन नहीं हो रहा लड़की, तुम सच तो बोल रही हो, झूठ नहीं बोलना हमसे। हाँ जल्दी से सच बताओ। अरे सच है, मैंने खुद ये करके देखा है। मतलब छोटू इसने करके देखा है तो फिर हम भी कर सकते हैं, छोटू ट्राई करके देखते हैं। अबे हाँ यार साथ, चलो लड़की हम अब निकलते हैं क्योंकि हमने तुम्हारी पूरी बात सुन ली है। और बताओ कैसी हो? अरे मैं ठीक हूँ, तुम अभी आओ, मेरा दिमाग मत खाओ, बकवास मत करो, यहाँ पर फ्री मत हो। वे छोटू ये तेरी तो बड़ी बेइज्जती हो गई भाई, मैं तो बोल भी नहीं सकता छोटू। अबे यार उस्ताद बस छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बेइज्जती तो होती रहती है यार साथ, दुनिया है कुछ भी हो सकता है। अच्छा मतलब इज्जत तो आने जाने वाली चीज है, बस अपनी बेइज्जती का ख्याल रखा करो। आ भाई ठीक है यार साथ कर लूंगा। यार लड़की तुमने अपना फोन नंबर नहीं दिया। अरे तुम जा रहे हो या यहाँ से जूता मारूं? ओबे छोटू आज जो तुम्हारी बेइज्जती हुई है ना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी यार। ये लड़की ने क्या बोल दिया तेरे को? उसने लड़की ने बोला ये जूता मारूंगी तेरे मुंह पे। अब यार साथ उसने ऐसा बोल दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार साथ, ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरी दोस्त थी। लेकिन छोटू अब मेरे को कसम जना शर्म आ रही थी ये बातें सुनकर यार। अब यार साथ इसलिए तो मैं भी निकल गया क्योंकि मुझे भी शर्म आ रही थी। अभी करना क्या है छोटू, इसको लेके जाना है रेलवे स्टेशन के अंदर, मतलब ये कैसे जा सकते हैं? अबे आ गए यार, अब क्या करें? अब यार साथ चेक तो करते हैं कि हम जा सकते हैं या नहीं। यार लड़की ने ऐसे ही हमें बुला दिया है। अबे छोटू लड़की ने बुलाया, मैं इसको अंदर लेकर गई हूँ। अबे यार साथ तो हम भी इसको अंदर लेके जाएंगे। ये किस चीज का धमाका हुआ छोटू? अबे यार साथ मैं चेक कर रहा था कुछ हो सकता है, पर मेरे पास एक और आइडिया है। आइडिया मतलब कौन सा? अबे ये देखना यार साथ, अभी मैं इसमें गाड़ी बनूंगा, फिर यार साथ एक टर्न मारूंगा लेफ्ट की साइड और अब सीधा चलो। अरे समझ गया, मतलब तू गाड़ी के साथ अंदर। ये 1 2 3 चल छोटू स्पीड पकड़। अबे नहीं जा रही क्या? अबे जा रही, रुको यार, सो थोड़ी हेल्प की जरूरत है तुम्हारी, धक्का मारो धक्का। ये ले ये बच्चे बजरंगोली। अबे यार साथ ये चली गई, पर आगे क्या है जो इस, ये अबे ये देखो अंदर का नजारा भी आ रहा है। अबे हाँ यार छोटू ये तो बड़ा VIP बना हुआ है, मतलब यहाँ पे तो बहुत बड़े लोग आते होंगे, हम जैसे नहीं आते होंगे गरीब। अबे यार उस्ताद हम तो गरीब हैं, अब चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है यार, अमीर हो जाएंगे। छोटू ये पुलिस की गाड़ी कहाँ से आ गई? हम नीचे हैं ऊपर हैं, मतलब हम स्टेशन के अंदर हैं बाहर हैं? अबे यार उस्ताद ये तो मुझे नहीं पता, अभी हम तो बाहर आ चुके हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी दूसरे वाले रेलवे स्टेशन पे चलते हैं। अबे तो ये कौन सा स्टेशन था छोटू? ये हम रेलवे स्टेशन तो आए थे ना। अबे ये दूसरा था यार उस्ताद, ऐसे लोग आते हैं हम उस पे जाएंगे जिसमें लोग जाते हैं। अच्छा मतलब ये जो रास्ता था आने वालों का था, अब हम जा रहे हैं जाने वालों के रास्ते पे, मतलब गाड़ी के साथ ही अंदर जाएंगे ना। हाँ यार उस्ताद ये तो होगा यार उस्ताद, ये देखो मैंने गाड़ी कुदा दी है। अबे ये क्या हो गया, पुलिस पीछे पड़ गई है। छोटू शोर नहीं करवाना, पुलिस यहाँ पे अरेस्ट कर लेगी, देख अंदर कुछ भी नहीं। अबे फिर तूने धमाका कर दिया यार छोटू। अबे यू डाइड यार ये छोटू तू अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता ना, इसलिए तू डाइड हो जाता है। अबे यार उस्ताद अब क्या करूँ मैं यार, टिप सर तू ही बता हम क्या करें। अबे यार टिप सर हम हर रोज मरते रहते, कुछ इलाज बताओ यार। मैं उतर तो सही छोटू, थक गए यार, टिप्सन खड़ा है कहाँ है छोटू? अबे यार उस्ताद अभी आ तो गए हैं टिप्सन के पास, उतर नहीं सकते, ये ट्रांसफार्मर है।
अरे तुम लोग नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो, बड़े नवाब बन गए हो। अबे यार हम थक गए, गाड़ी के अंदर ही हैं। यार टिप्सन तू बता, तूने क्यों बुलाया हमें? अबे मेरे पे पूरे वाइस टाउन की पुलिस नज़र रख रही है, मुझे चाहिए एक एयरक्राफ्ट, वो तुम्हें मिलेगा मिलिट्री बेस से। जल्दी जाओ वहाँ पे जाके एयरक्राफ्ट लेकर आओ, बल्कि ऐसा करो एयरक्राफ्ट को फुटबॉल ग्राउंड में रखना, मैं वहीं पहुँच रहा हूँ। अबे पर हमारी बात क्यों नहीं सुन रहा यार टिप्सन? हम बार बार मरते जा रहे हैं, यू डाई होते जा रहे हैं। हम तो तेरा काम कर देंगे पर हम मर जाएंगे। अबे हेल्थ का चक्कर है, सारा रात को दूध पिया करो, सही रहोगे। अबे ठीक है यार टिप्सन, ये इलाज वैसे अच्छा यार सर, तुम दूध पिया करो। अबे छोटू मैं तो पीता हूँ, तू नहीं पीता यार। अबे यार सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी चलो हम टिप्सन के ना काम पे चलते हैं। मतलब मिलिट्री बेस में छोटू हमें एयरक्राफ्ट चुराना है और उसको छोड़ना है फुटबॉल ग्राउंड पे। अबे ये कहाँ लाया है तू? अबे यार सब तुमने नोटिस किया है, ये जो हमारा ट्रक है ना यार सर, इसके बोनेट पे एक बड़ा सा टैटू बना हुआ है घोस्ट राइडर का। अबे घोस्ट राइडर का इसके बोनेट पे? अबे हाँ यार सर, मैंने अभी अभी चेक किया है, क्या ये न्यू अपडेट है, अगली वीडियो तो इस पर ही बनाएंगे हम। अबे एक तो वो नजर नहीं आ रहा और तू दूसरी। अबे ये कैसे घूम रहा है? अबे देखा तूने छोटू, ये कैसे गोल गोल घूम रहा था? मुझे लगता है हमारा रोपीरो कुछ पागल हो चुका है। मतलब रोपीरो के अंदर शक्ति आ चुकी है क्या? अबे शक्ति नहीं, वो पागल हो चुका है यार, इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और इसको हमने यहाँ पर बुला दिया है। अच्छा मैं समझ गया, मतलब शक्ति कपूर आ चुका है। अबे हाँ यार सर यही समझो। अबे 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 फ्लाइंग करता करता यार सर सबको मारते जा रहे यार, पागल हो चुका है। अबे सबके ढांचे बना रहे, ढांचे बना दिए छोटू तुमने? अबे ये तो सारे ज़ॉम्बीज़ हैं छोटू, मिलिट्री बेस वाले कहाँ हैं सोल्जर? अबे कोई दिक्कत की बात नहीं टिप्सन, अबे टिप्सन बोल रहा हूँ, अबे रो फिर जल्दी से बैठ अपने एयरक्राफ्ट पे। अबे एयरक्राफ्ट उस तरफ है छोटू, तू बाहर है, अंदर आ जा, देख ये। मैं रोपीरो को कंट्रोल नहीं कर पा रहा यार। क्यों छोटू क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहा? तू हमेशा चलाता है यार, सही से चलाता है। अबे यार रोपीरो इसको फुटबॉल ग्राउंड में लेके जाके ठोक ले। रोपीरो तेरे को पता है फुटबॉल ग्राउंड कहाँ है? अबे यार उसा दिए, इसकी आवाज भी नहीं निकली। अबे आ गया आ गया, चल उतार दे उतार दे छोटू उतार दे, हमारा काम हो गया, टिप्सन ने यही बोला था ना। अबे मैं तो बोल रहा हूँ ट्रांसफार्मर को ना वापस से बाइक कर देते हैं, क्योंकि ये पागल हो चुका है। अबे हाँ ये कभी भी धोखा दे सकता है, ये क्या कर रहा है छोटू, ये रनिंग क्यों कर रहा है? अबे पागल हो चुका है क्या यार ये साला? अबे छोटू ये चल नहीं पा रहा है क्या, मतलब तेरे इशारों पे नहीं चलता अभी? अबे नहीं यार साथ, ये तो मैं इसको 100 दफ़ा बोल रहा हूँ तब इसको आवाज आ रही है। मतलब छोटू इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, वही कर। अबे हाँ यार साथ, इसको मैंने कल रात को कुछ पिला दिया था यार साथ, तभी ये ना ऐसा हो चुका है। हम इसको कैसीनो लेके गए थे लास्ट नाइट। अरे हाँ ये देख मोटू वो बन चुका है, कितना मोटू हो चुका है, इसलिए ये रनिंग कर रहा है ताकि ये पतला हो जाए। अबे हाँ यार सर यही लगता है, और उसने खाना भी बहुत सारा ही खा लिया, और ये तो पैसे कमाने के लिए ये कर रहा है। आरपीजी क्यों उठाई है इसने छोटू, ये क्या है तुम्हारे उसमें कंट्रोल में है? अबे नहीं यार उस्ताद ये पता नहीं क्या कर रहा है, अबे मक्खी के साथ आ गया। अबे मक्खी है रोबोट है, इतनी बड़ी मक्खी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी छोटू, इतनी बड़ी मक्खी ये देख रोपीरो से भी बड़ी है। अबे हाँ यार उस्ताद ये तो तुम सही कह रहे हो यार, कुछ तो गड़बड़ है दया, इनमें न्यू अपडेट्स आ चुके हैं। मतलब ये जो छोटी छोटी मक्खियाँ उड़ती थी आजकल रोबोट बन के अबे सरेआम रोड पे घूम रही है। अबे हाँ यार उस्ताद ऐसा तो है। गाइस जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट भी कर दो, अच्छा था। अबे छोटू कहाँ आ गए हम लोग, रोपीरो का सर घूम चुका है। अबे हाँ यार उस्ताद ये तो टिप्सन के घर के सामने आ गया बराबर में। अबे ये टिप्सन को मारेगा तो नहीं? अबे नहीं यार उस्ताद ये तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है ये पागल हो चुका है और टिप्सन को भी नहीं जानता अब। गाइस जल्दी से कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है तब तक के लिए सब्सक्राइब।